नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंच गईं। एशिया कप 2022 का फाइनल 11 सितंबर को इतवार के दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान और भारत की टीमें एशिया कप 2022 की फाइनल की दौड़ से बाहर हो गईं। सुपर फोर राउंड के चौथे मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए। अफगानिस्तान की जानिब से इब्राहिम जरदान ने 35, हजरतुल्लाह जज़ई ने 21 और राशिद खान ने 18 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के हारिस रौफ ने 2 जबकि नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 1-1 शिकार किया। अफगानिस्तान के 129 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम ने अपनी बैटिंग शुरू की तो इनकी बैटिंग लाइन शुरू से ही लड़खड़ाती नजर आई। सबसे पहले कप्तान बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से शदाब खान ने 36, इफ्तखार अहमद ने 30 और मोहम्मद रिजवान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। नसीम शाह ने आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फरूकी और फरीद अहमद ने 3-3 जबकि राशिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। इस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर शदाब खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। एशिया कप 2022 का फाइनल इतवार को श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।